12 बरिश की अवस्था में माता जी सोता उन है ये तो कोई ले हाँ। और वही समय माता जी इस वृक्ष के मंदिर निर्माण के समय ये वृक्ष यहाँ पे आप खत्म हुआ और माँ पुनः दूसरा माँ रानी माँ के रूप में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ब्लॉगिंग आदि शक्ति बनारस दर्शन एंड वेलकम है आपका प्राचीन दुर्गा मंदिर भैठौली की माँ दुर्गा मंदिर के पार्ट टू में। और यहाँ तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पार्ट वन तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा था पार्ट वन में, और अब ये सेकेंड पार्ट में लेकर के आए हूँ। थोड़ा सा एक दिन का लेट हो गया है टेक्निकल इशू के कारण। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, अब आज मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ यहाँ भैठौली के प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर। और जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में जानकारी दी थी, और ये देखिए यहाँ माँ का दुर्गा चालीसा, माँ जी का सब है। और ये देखिए माँ जी के श्री चरणों के पवित्र चरण पादुका है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि यहाँ पे माँ स्वयं प्रकट हुई थी। और ये देखिए माँ जी के आप लोग दर्शन करिए, अब हम लोग आ गए हैं अंदर कटघरे के अंदर। और ये देखिए माता रानी दिख रही हैं, ये माँ दुर्गा जी स्वयं प्रकट हुई थी, उनकी ये स्वयं प्रकट मूर्ति है। मतलब ये पंडित पुरोहित द्वारा प्रतिष्ठापित नहीं है मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित नहीं, ये माँ स्वयं ये इस मूर्ति में प्रकट हुई थी। और अभी मैं पूरी कथा विस्तार से बताऊंगी, और जिन पुरोहित के जरिए मैंने ये जानकारी प्राप्त की, खुद वो पुरोहित ही बताएंगे और आप लोग सुनेंगे। और ये देखिए पहले आप लोग पूरे मंदिर का दर्शन कर लीजिए और माँ जी के श्री चरणों का दर्शन कर लीजिए। काफ़ी महिमामय ये मंदिर है, इस शक्तिपीठ की काफ़ी दूर दूर तक महिमा है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आने वाले किसी भी भक्त की मनोकामना जो है वो खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे देखिए माँ पराम्बा माँ हैं, और प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी हैं, और बगल में ही बाबा भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, और उनके बगल में है प्रभु श्री हरिनाथ नारायण जी, और नीचे नंदी बाबा हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड्स ये देखिए नंदी बाबा हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा कॉर्नर में एक फ़ोटो लगा हुआ था, तो वो इस मंदिर के वो पुजारी थे और उन्हीं को माँ मिली थी। माँ स्वतः उनको मतलब अपने पास बुलाई थी और उनको आदेश दी थी कि इस मंदिर का निर्माण कराओ और मेरी मूर्ति तुम्हें उस वृक्ष के पास मिलेगी। वो वृक्ष भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अभी आप लोग पूरी जानकारी आप लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। पहले माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए, माँ जी के श्री चरणों की कृपा आप सब पे हम सब पे बनी रहे। ये देखिए माँ जी का शुभ दर्शन आप लोग भी करिए। और फ्रेंड्स ये देखिए पुरोहित जी से हम लोग कह रहे हैं कि आप इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताएं, कुछ रोशनी डालें। तो वो देखिए वो चल रहे हैं अंदर बताने, और आप लोग भी सुनिए। 12 बरिस की अवस्था में माता जी सोता उन है ये तो कोई ले हाँ। और वही समय माता जी उन्हें पकड़ ले उनसे अपन हेतु के लिए मूल बता देते आपके हाँ, हाँ, हाँ। अपन बगल में जहाँ शीतला माई की नमुना कपूर अगरबत्ती हाँ। वहाँ पे माता जी का स्थान है हाँ। उसी जगह मूर्ति मिली हाँ, हाँ। वहाँ पे मूर्ति का यहाँ पे स्थान किया गया हाँ। उसके बाद माई का पूजन सब हो गया। मतलब ये स्वयं भू है माँ जी जी, क्योंकि बीच में मूर्ति देखा थी ना, सोता ये मूर्ति अपने यहाँ पे प्रकट हुई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, पुरोहित जी ने बताया कि वो जो पुजारी जी थे उनको स्वयं माँ मिली थी, प्रकट हुई थी। और इस देखिए ये वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे माँ उन पुजारी जी को मिली थी, स्वर्गीय श्री राजनाथ सिंह जी को। और ये देखिए ये वृक्ष वही ये पवित्र वृक्ष है जहाँ माँ विराजित थी यहाँ पे और उनको मिली थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पावन वृक्ष के दर्शन कर लीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष जब मंदिर निर्माण करने के लिए आदेश नहीं होने लगा, इस वृक्ष को काटा नहीं गया, ये अपने से ही वृक्ष अपने आप निकलता चला गया। और फिर उधर साइड में एक वृक्ष, फिर माँ वहाँ अपना निवास बना ली।
और फ्रेंड्स, ये सत्य अनुभव है। हम लोग भी यहाँ आए हैं और अनेक श्रद्धालु आते हैं तो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और हम लोगों को भी ये अनुभव हुआ यहाँ इस ब्रिज के आते के पास आने पे ही मतलब एक अलग प्रकार की ऊर्जा और पॉजिटिविटी महसूस होती है। मतलब कुल मिला के आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे ना तो आप लोगों को एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। और यहाँ अभी बताते वक्त भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, वही पुरोहित जी से सब बातचीत चल रही थी और इस वृक्ष और इस मंदिर के बारे में वो बता रहे थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग दर्शन कर लीजिए इस पावन पवित्र वृक्ष के। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये वृक्ष ये है नीम का, ये भी माँ के द्वारा ही मतलब स्वतः यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। माँ के द्वारा ही जब वो वृक्ष मंदिर का निर्माण हो रहा था तब वो वृक्ष अपने आप काटा नहीं गया, अपने आप वो निकलता चला गया और फिर माँ यहाँ तीन देवियों के रूप में यहाँ पे विस्थापित हो गई, मतलब स्थापित हो गई सॉरी। और ये देखिए यहाँ पे लोग कपूर आरती अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं माँ जी को। फ्रेंड्स, आप लोग पूरे मंदिर परिसर का एक बार आप लोग नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही पवित्र और पावन मंदिर है। और इस वृक्ष के पास से ना तो जैसे लग रहा है अब एकदम माँ है ही वहाँ पे और हम लोग को जाने का वहाँ से मन नहीं हो रहा था। और ये देखिए कितनी स्वच्छता और शुद्धता है यहाँ पे और ये मंदिर में कितनी साफ सफाई है। और ये देखिए पूरा मंदिर के ऊपर ध्वजा है, यहाँ वृक्ष पे हमारे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं वृक्ष के पास। मेन माँ का यही दोनों वृक्ष ही निवास स्थान है और मूर्ति के रूप में वहाँ स्थापना कराएं ताकि भक्त और श्रद्धालु आ सके और माँ जी का साक्षात वहाँ दर्शन कर सके मूर्ति का। माता जी ने अपनी उत्पत्ति ली है और मेन 12 साल की अवस्था में का नाम है उनका, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ होना शुरू हुआ, मैया इस ब्रिज को आप पे आप गिराती चले गए, काटना नहीं पड़ा इस ब्रिज को कभी ना, नहीं अपने आप ब्रिज गिर अपने आप गिरता चला गया। और जब मंदिर निर्माण हो गया पुनः मैया अपने आप उस जगह पे जाकर के अपना आस्थान। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना कि किस तरह मंदिर निर्माण के समय ये वृक्ष अपने आप निकलता गया और माँ उस सामने वाले वृक्ष के पास चली गई और यहाँ अपने मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया और स्वयं अपनी मूर्ति को स्थापित किया। और ये देखिए यहाँ की डीह बाबा का मंदिर है और लोग जब यहाँ माँ जी का दर्शन करते हैं तो पहले यहाँ भी दर्शन करते हैं। और ये देखिए मंदिर में कितने सुंदर संगमरमर लगाए गए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पुजारी स्वर्गीय राजनाथ सिंह, इन्हीं को माँ मिली थी और उन्होंने माँ जी ने इन्हीं को आदेश दिया था इस मंदिर निर्माण का। और ये देखिए लिखा हुआ है पुजारी स्वर्गीय राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा स्थापित, स्थापना 10/4/1915 है और पुनर्निर्माण इस मंदिर का 2001 को फिर किया गया था। यानी ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 107 साल पुराना लगभग होगा ये मंदिर। और ये देखिए उनका ये तस्वीर है, इस महान पुरुष जिनको माँ मिली और उन्होंने अपने आदेश दिया अपने इस मंदिर निर्माण के लिए, अपनी मूर्ति स्थापना के लिए। सो फ्रेंड्स, माँ जी के चरणों के साथ साथ इनको भी नमन। और ये देखिए पूरे मंदिर का आप नज़ारा देखिए, बहुत ही शांति सुकून और बहुत यहाँ एक अलौकिक एहसास होता है। और माँ जी की महिमा के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी महिमा को बता सकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। बस अगर आप लोग आसपास के हैं या कहीं से भी अगर आप लोग वाराणसी में आना चाहते हैं और यहाँ आते हैं तो आप लोग को आकर के एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा और एक अलग ही अनुभूति होगी। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर के पीछे भाग का ये दृश्य देखिए आप लोग, और ये पीछे का नज़ारा है मंदिर के।
और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पीपल का पेड़ और यहाँ शनि भगवान जी की भी मूर्ति है, पूजा होता है। और ये देखिए ये जो छोटे छोटे चूल्हे बने हैं ना, तो यहाँ पे आने वाले लोग जितने भी भक्त श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो माँ जी को पूड़ी और हलवा इसी चूल्हे पर बनाकर शुद्ध और सात्विकता ढंग से बना करके चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है चूल्हा, ये ब्रेंच है लगा हुआ। और आइए फिर से चलते हैं मंदिर के परिसर में। ये देखिए हाँ ये माली फूल माला वगैरह लेके बैठे हुए हैं, यहाँ भी है और बाहर भी दुकान लगी हुई हैं। और अभी तो यहाँ काफ़ी सारे मकान बन गए हैं और माँ जी के मंदिर होने की वजह से यहाँ की महिमा काफ़ी बढ़ गई है। नहीं तो पुजारी जी के कथनानुसार पहले यहाँ कभी जंगल हुआ करता था, और वो जो स्वर्गीय श्री राजनाथ सिंह जिनको माँ जी मिली थी वो इधर जंगलों में ही खेलते हुए आए थे और इसी ब्रिज के नीचे उन्हें माँ मिली थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये देखिए हवन कुंड है। और अब तो यहाँ काफ़ी मकान आसपास बन गए हैं, ग्रामीण अंचल के बीच में बसा हुआ ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स दर्शन कर लीजिए आप लोग, माता रानी जी कृपा आप सब पे हम सब पे बनी रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।